जय माता दी, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम दर्शकों। आइए जानते हैं मिथुन राशि सितंबर माह का राशिफल, आपके जीवन में नया क्या चल रहा, क्या करना चाहते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। मिथुन राशि वाले जातक से पहले जानते हैं इनका इस माह विशेष फेस्टिवल त्यौहार क्या है। 7 तारीख को जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्म परिवार के साथ मनाएं, उत्सव मनाएं, और 15 तारीख को अवश्य पितरों की पूजा करें। 18 तारीख को हर तारीख का तीज है, जो औरत व्रत रहती हैं भगवान शिव की पूजा होती है। 29 तारीख का जो है पूर्णमासी भगवान विष्णु की पूजा करें। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, ये ऐसे व्यक्ति जल्दी बोलना, जल्दी चलना, जल्दी जल्दी सारे काम को करते हैं। इनके जीवन में कोई भी काम करने में इनके लिए कोई भी हिचकिचाहट या डर नहीं लगता है, अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत दिमाग, बहुत मायावी होते हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, इस माह इनका हेल्थ की बात करते हैं तो इनको थोड़ा सा खान पान में विशेष ध्यान देना है। इनका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों के लिए कुटुंब की बात करते हैं तो इनका माँ का प्यार ज़्यादा मिलेगा और कुटुंब दोस्त इनके लिए हेल्प करेंगे, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए खड़े रहेंगे। पराक्रम की स्थिति यह है कि ऐसे में आप जो है आपकी जो टीम के लीडर बनना चाहते हैं आप, या आपको कोई पद दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस महीने में आपको मिलेगा, जिससे आपको शुभ समाचार मिलेगा। किसी को आप चाहते हैं या प्रेम करते हैं तो उसको बड़े सम्मान से रिश्ते को निभाना है आपको, क्योंकि आपका चतुर्थ मंगल होने से कभी कभी आपको अचानक से गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, उस गुस्से से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आपको बहुत सावधानी रखनी है और दिमाग से काम करना है। भूमि भवन कह दिया आपके अंदर कोई चल रहा लेन देन का, तो उसमें आपका योग बनेगा। इसमें आप किसी बुजुर्ग आदमी के माध्यम से आपका अच्छा सम्मान मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा। आप किसी की बात, सबकी बात सुनते हैं पर उनके मन, उनकी बात को ना माने, आप अपने दिमाग से काम करेंगे, वो काम आपका बहुत अच्छा होगा और जल्दी होगा। किसी भी अपने संतान के लिए कोई कर्कश वाणी का प्रयोग ना करें, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वाणी कर्कश हो सकती है, जिससे आपको नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। शनि की स्थिति जो आपके जीवन में कुंभ राशि भ्रमण करेंगे तो ऐसे में आपका जो भाग उदय होता है, जो आपके काम होते हैं वो लेट से होते हैं, विलम्ब से होते हैं, ऐसे में आप निगेटिव हो जाते हैं। आप सावधानी से परपक्वता के साथ यदि काम करते हैं तो आपका पूरा काम होगा, आपका काम कोई भी रुकेगा नहीं, आपको बस अपने आप को विश्वास रखना और ध्यान रखना है। दूसरा, आपके लिए कोई भी चीज़ आपके जब आय के लिए आप काम करते हैं, व्यापार के लिए, नौकरी प्रमोशन के लिए, साझेदारी के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन लास्ट में जो चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन मैं बताना जानना चाहता हूँ कि सितंबर माह में ऐसा आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है, आपके लिए जो कुछ होगा वो सबसे अलग और परे होगा और बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसी संभावना आपकी जन्म राशि में चंद्र राशि के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। यदि आप बहुत दिनों से बीमार हैं, ग्रसित हैं, तो ऐसे में आपको जो हर बुधवार को कुशा से जल, गंगा जल मिलाकर कुशा लोटा में रखकर भगवान शिव को जल चढ़ाना है हर सोमवार को। ऐसे करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। दूसरा, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तो हर फ्राइडे को यानी हर सोमवार को आपको चावल की खीर बनाकर और लक्ष्मी जी को भोग लगाना है, उसके बाद कन्याओं को खिलाना है, उससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा, आपके लिए जो आपके स्वामी राशि के बुध होते हैं, ऐसे में आपका लाइजिंग का, वाणी का जो काम होता है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको जो है अपने लिए क्या करना है कि आपको एक बुध का रत्न होता है पन्ना, एमराल्ड, उसको धारण करना है। उसको धारण करने से आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातक बहुत कला कौशल के कारक होते हैं, इनके जीवन में कोई नई 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 खोज बनी रहती है, वो पूरी आपकी होने वाली है। आप संदेह या कोई चिंता ना करें, आप अपने काम को अपनी ईमानदारी के साथ तोलें, अपनी नौकरी को ईमानदारी के साथ करें, आपको सफलता मिलेगी। कभी भी आप झूठ ना बोलें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। झूठ बोलने से आपके काम फंस जाते हैं और रुक जाते हैं। आगे की जो कल्पना है, आगे की जो आपकी जन्म राशि कह रही हो, ये कह रही है न कि मिथुन राशि वालों के लिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक आक्रोश रहता है या जोश रहता है या कह सकते हैं बहुत फुर्ती रहती है, उस फुर्ती को, उस एनर्जी को आप बचा के रखें, उसको फालतू ऐसे व्यय ना करें, ऐसा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
आप किसी व्यापार के लिए, शादी के लिए मिलान करते हैं तो कुंडली को पहले विवेचन करा, फिर देखा उससे आपको लाभ मिलेगा। जय माता दी।